जनपद फिरोजाबाद के थाना लाइन पर नगला विष्णु का रहने वाला चंद्रशेखर गुप्ता का बेटा 7 साल पहले खो गया था, जिसके परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। काफी तलाश के बाद परिजनों को उनका खोया हुआ बेटा नहीं मिला था, लेकिन आज जब चाइल्ड लाइन की टीम ने उनको उनकी 7 साल पहले खोई हुई औलाद लौटाई तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब चाइल्ड लाइन ने सर्च अभियान के दौरान उनके बेटे से पूछताछ की और उनकी सारी जानकारी टीम को दी, उसके बाद चाइल्ड लाइन टीम ने कार्यवाही करते हुए लड़के को परिजनों के पास पहुंचाया। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ऐसा है, 25 अक्टूबर में ये दिल्ली से बच्चा फिरोजाबाद शेल्टर होम में लाया गया। उसी दौरान हम लोगों ने CWC यानी बाल कल्याण समिति न्यायपीठ फिरोजाबाद ने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे का एड्रेस ट्रेस किया जाए, तो चाइल्ड लाइन को एक आदेश दिया कि बच्चे के घर की तलाश की जाए, इसके माता पिता को ढूंढा जाए। तो नगला विष्णु में, क्योंकि बच्चे के मुताबिक ये नगला विष्णु का रहने वाला है, तो नगला विष्णु में जब पता किया गया, टीम ने वहाँ जाकर पता किया, तो मालूम ये हुआ कि नगला विष्णु में ये परिवार रहता था। इस बच्चे की माता मुन्नी देवी, जो इसको याद करते हुए 3 साल पहले गुजर गई, उसी दौरान यहाँ से ये लोग भरतना यानी कि जिला इटावा कहीं चले गए हैं, इस तरह से बताया गया। फिर काफ़ी प्रयास करते रहे, हमारे यहाँ बाल गृह के अधीक्षक महोदय, सहायक अधीक्षक और सुपरवाइजर साहब और सभी लोगों ने लगातार प्रयास करते रहे। उस प्रयास का ये रिजल्ट आया कि आज ये बच्चे के पिता और उसके भाई उसके साथ खड़े हुए हैं, और ये बाल कल्याण समिति के लिए बेहद खुशी की बात है और इस स्टाफ के लिए, चाइल्ड लाइन के लिए, कि सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से बच्चा अपने पिता के साथ आज जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आप लोग भी इस चीज़ को उठाएं, और एक अनुरोध मैं ये ज़रूर करूंगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी मुसीबत में है और या कहीं भी बच्चा ऐसा है जिनका लापता हो गया है, तो ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग उन्हें रास्ता बताएंगे कि बच्चों को कैसे तलाशा जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि धार्मिक गुरुओं के पास घूमते रहते हैं, संतों के पास, वकीलों के पास, और काफ़ी रुपया इनका बर्बाद हो जाता है। इनका भी ये खुद बता रहे हैं कि काफ़ी पैसा इसमें बर्बाद हो गया, हम लोग ढूंढ रहे हैं लगातार, माँ ढूंढती रहे, ये लोग ढूंढते रहे, काफ़ी पैसा बर्बाद हो गया, गरीब और गरीब हो जाता है। तो ये कोशिश है कि जो लोग जिसके बच्चे के साथ कुछ घटना हो रही है या लापता है या किसी भी तरह का शोषण है, तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सरकारी हेल्पलाइन है, उसको उपयोग करें। और यहाँ पर CWC में उपस्थित हैं श्रीमती संगीता पांडे जी, कुमार शर्मा जी और मैं जफ़र आलम, श्री जगजीवन राम शर्मा जी और हमारे सहायक अधीक्षक चंद्रवली जी, सुपरवाइज़र संजीव कुमार जी, ये सभी लोगों के प्रयास से आज बच्चा मिल सका है, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा राहुल, किस तरीके से आप वो पापा के पास मिले हो और कहाँ से आप खो गए थे, किस तरीके का मामला है ये पूरा? नगरा विश्वविद्यालय से 2013 से मैं कलकत्ता घर से, उसके बाद कलकत्ता रह के आया, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ फिरोजाबाद। अब कितने समय बाद अपने यहाँ फिरोजाबाद में आप आए, कितने समय मतलब कितने वर्ष बाद आप यहाँ पर आए हो? 1 साल, 2 साल के। 2 साल बाद। अच्छा, आज किस तरह की खुशी आप अपने परिवार से मिल रहे हो? अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? नगरा विश्वविद्यालय। अच्छा, आज आप कितने वर्ष बाद मिले हैं और किसकी मदद से मिले हैं? चाइल्ड लाइन के। अच्छा, किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे आप चाइल्ड लाइन को? आपका अच्छा, पूरा क्या मामला, आज कितने वर्ष बाद आपका बच्चा मिला है और किसकी मदद से मिला है? जी आप कहा थे नगला विष्णु आए थे जी, तो एजेंट साहब मेरे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा यहाँ आया था, तो मैं आपके पास मेरा फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर मोबाइल से कट गया, मेरी मोबाइल गिर पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारा बच्चा जो है पूरा बात जो है। आपको किसने फ़ोन किया, आपको कहाँ से फ़ोन आया कि आपका बच्चा मिल चुका है? आप हमें नगला विष्णु आए थे जी, हाँ ये पता लगा जरा बच्चा है पूरी जगह है, फिर हमारा लड़का बड़ा वाला यहाँ आया, अर्जी ने भी यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये बच्चा खोया था तब कितने वर्ष का था? ये ऐसा था, 8 साल।
8 साल का। अच्छा, किस जगह निवास करते थे आप? हम नगला फिसल। इस टाइम आप कहाँ करते हैं? अब इस समय है बर्तना। आपको जानकारी कैसे मिली बच्चे मिलने की? जानकारी साहब फिरोजाबाद में आए थे। कहाँ के निवासी हैं आप? रहन वाले साहब नगला, रहन वाले बर्तना के हैं जी, जिला इटावा। आज इतने वर्ष बाद आपका भाई मिला है, तो किस तरह की खुशी की जाहिर करेंगे? खुशी कैसा, वैसा था कि मैं ढूंढते ढूंढते तो दिल्ली का मुझे खबर मिला था। दिल्ली भी मैं सर गए, दिल्ली नहीं मुझे कुछ खबर मिला, दिल्ली से मुझे सूचना मिली कि नगला क्या ना फिरोजाबाद जो यहाँ के वो जफर साहब उनके नाम से पता चला था। साहब यहाँ ही मैंने ढूंढा तो हमारे एक मामा मामा लगते हैं, वो हमको लेके यहाँ आए। तो फिर मैं यहाँ आके अपने भाई से मिले, तो कुछ हमारे यहाँ अधिकारियों लोगों ने भी हमको सम्मोह दिया, बोले कि अपने कुछ प्रूफ लेके आए हो, अपने पिताजी को बुला के ले आओ। तो मैं आप लोगों के यहाँ अधिकारी लोगों के जरिया से। अच्छा, आपको भाई मिल गया, आपका कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है साहब, आप लोगों की सब कृपा है साहब। आपके शहर फिरोजाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खांसी, खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, COPD, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। अयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।